लोग सोच रहे होंगे कि भारती जी कहाँ जा रही है तैयार होके। सो गाइस, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अभी रक्षाबंधन नागपंचमी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, सीजन आने वाला है फेस्टिवल का। तो अगर आपके पास लहंगा है और आप बोर हो चुके हो तो आप एक दुपट्टे के साथ बहुत सारे वेयर मतलब डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 4-5 टाइप्स के आप ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल केटी दास व्लॉग्स। सो आज मैं आप लोगों को दुपट्टा हाउ टू वेयर दुपट्टा इन डिफरेंट स्टाइल ऑन लहंगा बताने वाली हूँ। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में आप दुपट्टा वेयर कर सकते हो। तो ये पहला स्टाइल है। देखिए, सिंपल सा आपको वन साइड दुपट्टा लेनी है और सेकंड जो कॉर्नर है पल्लू का उसको हाथ में पकड़ लेनी है। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। सो सेकंड स्टाइल में दुपट्टे को सेम पीछे से आगे की ओर लाना है और दोनों बॉर्डर को इस तरह से जॉइंट करके पिन लगा लेनी है। ये वाली स्टाइल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लहंगा वेयर किया है, ये डिफरेंट ही लुक देता है, लेकिन बहुत ही रिच लुक आता है गाइस। और कोई भी शादी हो या कोई भी पार्टी में आप इस तरह से वेयर करके जा सकते हो। सो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ थर्ड लुक, जो कि नॉर्मली साउथ इंडियन जो जिनको बहुत पसंद हो साउथ इंडियन लुक, तो आप इस तरह से वेयर कर सकते हो। तो बॉर्डर वाली अगर दुपट्टा तो बहुत ही अच्छा है साउथ इंडियन लुक के लिए। तो इस तरह से प्लेट बना लेनी है अच्छे से नीटली, जितना बॉर्डर हो उतना ही प्लेट बना लीजिए, ज़्यादा बड़ा प्लेट बनाइए मत, अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पर पिन लगा लेनी है लेफ्ट साइड में। देन आफ्टर सेकेंड कॉर्नर आपको इस तरह बैक के साइड टर्न करते हुए आगे की ओर इस तरह छोटे छोटे प्लेट्स बनानी है, ऐसे बॉर्डर दिखनी चाहिए फ्रंट में रख के। यहाँ पे आप टक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे पिन लगा सकते हो। तो बैक साइड देखिए ऐसे कॉर्नर दिखनी चाहिए पल्लू का वी शेप में, आगे भी वी शेप और पीछे भी वी शेप आनी चाहिए, तभी साउथ इंडियन लुक के लिए परफेक्ट दिखेगा। सो अब मैं बताने जा रही हूँ स्टाइल नंबर 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने जो पिन लगाया है उसको वन साइड पल्लू कर लेनी है। और ये सिंपली आप जो भी पार्टी में जाओगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत हैवी साड़ी आपने वेयर किया है, लगेगा ही नहीं कि लहंगा वेयर किया है ना। इसमें क्या करना है, जो आपने आगे टक किया था उसको थोड़ा सा लूज टक कर लेनी है और प्लेट्स लगा के पिन लगा लेनी है। देखिए ऐसे पिन लगानी है और जो लास्ट वाला कॉर्नर है आपको इस तरह से राउंड शेप आते हुए लूज दुपट्टा वेयर कर लेनी है। नाउ 6 स्टाइल, यहाँ पे मैं प्लेट्स बना रही हूँ छोटे छोटे और यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ गुजराती स्टाइल। तो गुजराती स्टाइल के लिए आपको हमेशा राइट साइड में पल्लू को आगे लाना है और इसके ऊपर अगर आप कमरबंद लगाओगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और ये जो लुक है रिसेप्शन और शादी में बहुत ही बेस्ट लुक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और प्लेट्स को एडजस्ट कर लीजिए, अगर मोटा बॉर्डर है तो आप एक पिन लगा सकते हो। तो देखिए कितना मस्त लुक है। नाउ 7 स्टाइल, सिर्फ आपको जो कॉर्नर आपने टक किया था उसको आप अपने जो हाथ में बैंगल्स वेयर किए वहाँ पे पिन लगा लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय।